इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं रवि शर्मा। जिस तरह से सरकारी चिकित्सा सेवाओं का बद से बदतर होने के वीडियो और ऑडियो सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था कि अब लोकल स्तर पर ही एडमिनिस्ट्रेशन कोविड वार्ड में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा देगा। जिला स्तर पर तो यह नहीं हो पाया, लेकिन अब यूपी के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक KK गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। अपने आदेश में महानिदेशक ने कहा है कि आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है। संक्रमण किस तरह मोबाइल से फैलता है, इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर विभाग का जमकर मजाक व खिंचाई की जा रही है। आज फर्स्ट बाइट टीवी ने मेरठ के जाने माने सर्जन डॉक्टर मुकेश परमार से बात की। आइए सुनते हैं कि वह किस नजरिए से देख रहे हैं महानिदेशक के इस फरमान को। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने तमाम सवाल इस मुद्दे पर खड़े किए हैं। हाँ, ये तो लखनऊ से आया है डायरेक्टर जनरल हेल्थ उसका मेडिकल एजुकेशन का, डॉक्टर KK गुप्ता का ऑर्डर। असल में उन्होंने कहा है कि मोबाइल, उसका जो तर्क दिया है कि मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे मरीज अपने साथ, उन्होंने तर्क दिया है इससे संक्रमण फैलेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि लेवल 3 और लेवल 2 के जो वार्ड हैं उनमें नहीं ले जा पाएंगे। तो लेवल 2 लेवल 3 के जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो तो पहले से ही संक्रमित होते हैं, तो संक्रमित मरीजों में और संक्रमण कैसे फैल जाएगा, ये मेरी समस्या बाढ़ है। और मेरी समस्या बाढ़ नहीं है, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी यहाँ जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे सीनियर हैं, जूनियर हैं, कोलीग्स हैं, वो सभी ये समझ रहे हैं। मतलब क्या है ये, क्या नेटवर्क, मतलब आपको बैन करना है आप बैन कर दीजिए, तर्क मत दीजिए इस बात का, है ना, कि संक्रमण फैलेगा। और एक जो सार्वजनिक दो जो मोबाइल है, व्यक्तिगत से तो संक्रमण फैल जाएगा, है ना, और दो उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक होंगे वहाँ मोबाइल, उनसे फैलेगा नहीं, वो तो क्योंकि डायरेक्टर साहब के भिजवाए हुए होंगे विशेष, पता नहीं उन्होंने कोई अपनी रिसर्च कर रखी होगी, है ना, तो उनसे तो फैलेगा नहीं और उनके व्यक्तिगत फोन से फैल जाएगा। सारा खेल पर्दा डालने का है, मैं बताऊं आपको, और कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल इस चीज के लिए अल्टीमेटली वही रेस्पॉन्सिबल। देखिए, सिस्टम के लिए पूरे के पूरे सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन पे, अगर जो किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने उससे पार पाने के लिए कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मोबाइल ही मत ले जाने दो, कंसंट्रेशन कैंप बनाना है उन्हें हिटलर वाले जी। भाई सफाई नहीं होगी, खाना ठीक से नहीं मिलेगा, ना ठीक टाइम पे मिलेगा, क्वालिटी भी पुअर होगी, और वो कर भी ना पाए, शिकायत ना कर पाए, बता ना पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस तरह से भी ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। राज्य सरकार हाईकोर्ट में जाकर के केस लड़ेगी, कोई ना कोई तो इसमें पिटीशन डाल ही देगा और पार्टी बनेगी राज्य सरकार। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं नहीं समझता, इनको तो एकदम कार्य मुक्त कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, मतलब बिल्कुल एकदम कोई सतर्क नहीं है, लॉजिक ही नहीं है इसमें, तो कोई तर्क क्या कुतर्क है ना। मेडिकल साइंसेज हम नई डिजाइन की मेडिकल साइंसेज पढ़ रहे हैं जो उन्होंने तर्क दिए हैं इसके पीछे, है ना भाई, जो पहले ही इन्फेक्ट हो गया कोरोना से है, तो अब और क्यों कौन इन्फेक्ट होने वाला है, या ये बताइए कि आपने इन्फेक्टेड मरीज और नॉन इन्फेक्टेड कॉमन पीपल दोनों को साथ साथ भर्ती कर रखा है, मतलब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ भर्ती कर रखे हैं क्या लेवल 3 और लेवल 2 में, बताएं। अगर जो ये बात है तो ये बताएं कि लेवल 2 में और लेवल 3 में क्या आपने असंक्रमित और संक्रमित दोनों को रखा हुआ है क्या एक ही जगह, ये फिर तो ये और बड़ी लापरवाही है, ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि इसमें तो बख्शा ही नहीं जाना चाहिए किसी को। दो लोगों को आप यहाँ से तो उठा के वहां ले जा रहे हैं, और संक्रमित और असंक्रमित को दोनों साथ साथ रख रहे हैं, तो फिर लेके क्यों जा रहे हैं, घर से क्यों उठा के लेके जा रहे हैं मरीज को या उसके रिश्तेदार को या उनके परिवार वालों को, क्यों लेके जा रहे हैं, या तो घर पे क्वारंटाइन कीजिए। मैं तो कहता हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ, अभी देखिए ये कम्युनिटी फेज में आगे आया है, आने वाला नहीं है, आ चुका है, और अभी बहुत तेजी से बढ़ेगा जब भी लॉकडाउन खुलेगा, और कब तक बंद रखेंगे, सालों साल तो बंद नहीं रख सकते ना, लॉकडाउन खुलेगा
लॉकडाउन खुलने के बाद में ये सर्ज होगा, और सर्ज होने के बाद में अगर जो यही पॉलिसी रही तो घर पे तो कोई मिलेगा नहीं, सब क्वारंटाइन सेंटर्स में बंद मिलेंगे। 60-70% जनता जो है क्वारंटाइन सेंटर्स में होगी। अरे भाई जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिनके पास में रहने की जगह है, और हेल्थ मिनिस्ट्री से साफ साफ ऑर्डर आए हुए हैं, ये भी बता दूं आपको, बाद में मेरे पास में ऑर्डर की प्रतिलिपि पड़ी हुई है। अच्छा, होम मिनिस्ट्री से बड़े साफ साफ है कि आप क्वारंटाइन सेंटर्स की जगह होम क्वारंटाइन कीजिए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को जी। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को क्यों भर रहे हैं वहाँ? दो गाइडलाइन आई हुई है होम मिनिस्ट्री से। अच्छा। कि एक तो होम क्वारंटाइन कीजिए आप, और होम क्वारंटाइन करने के बाद में कैसे अंदर उनको रहना है उसकी भी गाइडलाइन आई हुई है। चल रहा है कि बारह लोग सरकार से मदद आ रही है, उसके एवज में पैसा आ रहा है ना, और उसको ठिकाने लगाने का कोई जुगाड़ चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल मेरे पास में इसके साक्ष्य नहीं है, लेकिन इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो और कोई रीजन नहीं बनता है ना। तो उसकी एक बिल्कुल साफ साफ गाइडलाइन घर के लिए आई हुई है होम क्वारंटाइन की, कि सब लोगों को मास्क लगाना, एक कमरे में जो संक्रमित है उसको एक कमरे में रख देना, आप सब लोगों को सब घर के हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना, और उसको खाना पीना देते रहिए, और उसके बाद में आप हैंड वॉश करते रहिए, ठीक है। ये सब आई हुई है, उसकी कॉपीज है मेरे पास। आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। हम लोग इस तरह से चले कि मेजोरिटी पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जो हाई रिस्क के नहीं है, उनको घर पे रखिए। हाँ डेफिनेटली वो तो हो ही रहा है। देखिए क्वारंटाइन सेंटर में बहुत बुरी हालत है, जो मरीज के परिवार वालों को जो क्वारंटाइन किया गया। चिकित्सा सुविधाओं का रोना अभी जबकि जारी है। आज भाजपा के द्वाराला मंडल के मंत्री अक्षय द्वारालिया का वीडियो मेडिकल सेवाओं का सच खोलने के लिए काफी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी का काम किया, उनके उसके लिए ही काम किया, किंतु मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी कुछ दिनों से, उनके पेट में समस्या थी, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया भर्ती करने के लिए, और अब इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, क्योंकि प्राइवेट वालों ने कह दिया कि पहले COVID-19 की जांच होगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और मेरी मम्मी की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, मेडिकल में कोई भी सुविधा नहीं है, तीन घंटे में डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उन्हें मर्ज का तो पता नहीं, क्या मर्ज है, किसी महिला का मरीज का क्या नहीं है, कुछ नहीं पता, ना कोई भी टेस्ट वेस्ट ले रहे, बस ऐसी बेसुध पड़ी है मेरी माँ, हालत गंभीर है बस। इसके अलावा दिल्ली का मैक्स पटपड़गंज का 22 मई को जारी एक दुखी व्यक्ति का वीडियो भी यह बताने के लिए काफी है कि वर्तमान में सरकारी व गैर सरकारी सिस्टम कितना कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं वह वीडियो। आज 22 तारीख की 22 मई दोपहर लगभग 2:15 हुए हैं, मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज के बाहर हूँ। मेरी मदर मिसेस श्यामा शर्मा, वो MICU में एडमिट हैं, उन्हें 19 तारीख को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, तो उन्हें मैं पहले पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार लेके गया, फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि इन्हें जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो बहुत कम है, आप इन्हें किसी बड़े सेंटर में ले जाइए। उन्होंने मैक्स के लिए रेफ़र किया, तो हम लोगों उन्हें मैक्स ले आए, मैक्स में एडमिट कर लिया। जो भी इन्होंने इनिशियल अमाउंट जो भी बताया, जो भी इन्होंने डिपॉजिट अमाउंट बताया, वो सारा डिपॉजिट अमाउंट करके इन्हें मैक्स में एडमिट कर लिया। इनका टेस्ट हुआ होगा 19 तारीख को, या जो भी सैंपल्स गए होंगे, कल रिजल्ट आया है, कल यानी 21 तारीख को रिजल्ट आया है, लेट इवनिंग लगभग 10 बजे हम लोगों को पता चला कि वो पॉजिटिव हैं। रात को आज डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने यहाँ बुलाया था मैक्स के, हालांकि वो फेस टू फेस तो नहीं मिले, बट ये है कि उन्होंने इंटरकॉम के थ्रू मेरे से बात करी, और उन्होंने ये कहा कि आप अब कहीं पे बेड अरेंज कर लीजिए, आप वेंटिलेटर अरेंज कर लीजिए और इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अथॉरिटी नहीं है कि ये हम ट्रीटमेंट आगे दे पाएं, आप अपना बेड अरेंज कर लीजिए।
हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने कोशिश करी होगी अपने एंड से या जो भी किया होगा, बट ये लोग कह रहे हैं कि वी आर अनेबल टू फाइंड द बेड और अब आप अरेंज कर लीजिए। अब आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है कि मेरे जाने से कहीं पे बेड अरेंज होगा? कैसे पॉसिबल है ये? उसके बाद भी मैं कई सारे हॉस्पिटल में गया, बहुत सारी जगह कॉल्स करें,